In this lecture, we are going to see the health works of bilateral agencies. तो कुछ ऐसी bilateral agencies हैं जो India को specially help करती है. उसमें एक है USAID. USAID का full form क्या है? United States Agency for International Development. तो United States की कुछ ऐसी तीन agencies हैं जो इंडिया को एड प्रोवाइड करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ मनी इन वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स. तो उसमें पहली है USAID, सेकंड है द पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम, थर्ड है द US एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक. तो USAID जो है उसकी एक ब्रांच न्यू दिल्ली में है, वहाँ से ये फंक्शन करते हैं. उनका काम क्या होता है? ग्रांट्स एंड लोन्स प्रोवाइड करना. ये एजेंसी ग्रांट्स और लोन्स प्रोवाइड करती है जो इंडिया के वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं. उसमें जो स्पेशल पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ये ऑर्गेनाइजेशन एड प्रोवाइड करती हैं, हेल्प प्रोवाइड करती हैं, वो है मलेरिया मेडिकल एजुकेशन, मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस, न्यूट्रिशन एंड फैमिली प्लानिंग. और करंटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर द कंट्रोल ऑफ HIV और एड्स इन इंडिया. सो इन सब एरियाज में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्प प्रोवाइड करती है. तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 मार्क्स के लिए इन एजेंसीज पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें USAID एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का रोल प्ले करती है. एक और इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में जो याद रखनी है कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1961 में हुई है. सो ये इम्पॉर्टेंट है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ USAID वॉज इन 1961. नेक्स्ट जो एजेंसी है दैट इज़ स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, जो सीडा के नाम से भी जानी जाती है. इसको पर्टिकुलरली ऐसे याद रखा जाता है कि ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसने हमें ट्यूबरकुलोसिस का जो प्रोग्राम है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, 1979 से ये उसमें इंडिया को एड प्रोवाइड कर रही है, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है. तो किस फॉर्म में ये सीडा जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करती है? इन द फॉर्म ऑफ सप्लाइंग एक्सरे यूनिट्स, माइक्रोस्कोप्स एंड एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स. तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1983-84 में भी जो शॉर्ट कोर्स केमोथेरेपी ड्रग्स के रेजिमेंट्स का जो पायलट स्टडी था उसमें भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया है. और उसके बाद नेशनल ट्यूबरकुलोसिस को 5 फेजेस में, फेज 1 में 5 साइट्स में इसने 1993 में भी असिस्टेंस प्रोवाइड किया है. तो इस तरह से सीडा जो है वो पर्टिकुलरली ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट जो एजेंसी है डैनिडा, दैट इज़ अ डैनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी. तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नोट्स में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दूँ कि डैनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जो है इसको डेनमार्क गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है. और ये पर्टिकुलरली 3 मेजर हेल्थ प्रोग्राम्स में इंडिया को असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं. तो पहला प्रोग्राम है लेप्रसी इरेडिकेशन प्रोग्राम. लेप्रसी इरेडिकेशन प्रोग्राम में, उसके बाद TB इरेडिकेशन प्रोग्राम में असिस्टेंस प्रोवाइड करती है. और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है जो ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में, ये 3 प्रोग्राम्स में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इंडिया को. तो उसमें जो लेप्रसी कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें इन्होंने 1986 से असिस्टेंस प्रोवाइड करना शुरू किया है. इट हैज स्टार्टेड असिस्टिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम 1986 इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, हेल्थ एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन एंड केयर ऑफ डिफॉर्मिटीज़. तो ये सब मैटर्स में इन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड किया है. इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड डिफॉर्मिटी को प्रिवेंशन और कंट्रोल करना.
टीवी प्रोग्राम को 1996 में असिस्टेंस प्रोवाइड करना शुरू किया है, लेप्रसी को 86 में, टीबी को 96 में, और अभी भी वो कंटिन्यूड है। और जो ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है उनका, उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन रोल है। थ्री फेजेस में इन्होंने उस प्रोग्राम को असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, एंड दैट असिस्टेंस वॉज स्टार्टेड इन 1978। तो सबसे पहले इन्होंने ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम से ही स्टार्ट किया है, और फेज़ वन में इन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंदन करने में इन्होंने मेन रोल प्ले किया। उसके बाद जो सेकंड फेज़ थी उसमें इन्होंने डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटीज़ को फॉर्म किया टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टू डिसेंट्रलाइज द सर्विसेज। और फेज़ थ्री जो थी उसमें पहले दो फेजेस के जो गेन थे उन्हीं को इन्होंने कंटिन्यू किया, और इनका जो नेक्स्ट प्रपोज्ड वर्क है टू एस्टेब्लिश द नेशनल आई केयर रिसोर्स सेंटर। तो एक बड़े लेवल पर डेनिडा जो है ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम में इंडिया को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है नॉन गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज, जिसमें फर्स्ट है रॉकफेलर फाउंडेशन। तो रॉकफेलर फाउंडेशन क्या है, ये एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है। फिलैंथ्रोपिक मतलब जो लोग बड़े बड़े डोनर्स होते हैं, डोनेशंस करते हैं, दानशूर व्यक्ति जो होते हैं इनको, उनको फिलैंथ्रोपर्स कहते हैं। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1913 में, और उसे इस्टेब्लिश किया था मिस्टर जॉन डी रॉकफेलर ने। इसका पहला जो पर्पस था टू प्रमोट द वेलबींग ऑफ मैनकाइंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इन अर्ली डेज द फाउंडेशन वॉज एक्टिव चीफली इन पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, बट लेटर इट हैज़ एक्सपांडेड टू द फील्ड्स ऑफ सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड एग्रीकल्चर साइंसेस अल्सो। तो पहले इन्होंने पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन में ही ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन अब ये एग्रीकल्चर, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ में भी या अपना असिस्टेंस या अपना वर्क जो है वो प्रोवाइड करते हैं। द रॉकफेलर फाउंडेशन हैज़ बिगेन इट्स वर्क इन इंडिया इन 1920 विद द स्कीम फॉर द कंट्रोल ऑफ हुकवर्म डिसीज़ इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास से इन्होंने अपना वर्क शुरू किया था 1920 में, हुकवर्म डिसीज़ के लिए जो स्कीम थी उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करके इन्होंने काम शुरू किया था। जो सिंस देन द फाउंडेशन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद सेवरल मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया। इसकी जो मेन एक्टिविटीज़ है रॉकफेलर फाउंडेशन की, तो इसने जो इंडिया के बड़े बड़े हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एस्टेब्लिश करने में हेल्प की है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ। तो ये एक इंस्टीट्यूट है जिसको एस्टेब्लिश करने में इन्होंने मदद की। उसके बाद एम्स जो है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसे फॉर्म करने में भी, एम्स दिल्ली को फॉर्म करने में भी, एस्टेब्लिश करने में भी इन्होंने हेल्प प्रोवाइड की है। ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस, उनको फॉर्म करने में इन्होंने हेल्प की है, जैसे SGS मेडिकल कॉलेज बॉम्बे। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे जो है उसको भी एस्टेब्लिश करने में रॉकफेलर फाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो रॉकफेलर फाउंडेशन जो है वो एजुकेशनल विजिट्स को भी स्पॉन्सर करती है फॉर एडवांस ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया टू अदर कंट्रीज थ्रू फेलोशिप एंड ट्रैवल ग्रांट्स। तो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है जो इंडिया से बाहर किसी एजुकेशनल विजिट के लिए, एडवांस ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं बाहर, तो उनको फेलोशिप और ग्रांट प्रोवाइड करने का काम करती है। और उसी के साथ जो USA से कुछ स्पेशलिस्ट इंडिया विजिट करने आते हैं तो उनको भी स्पॉन्सर करने का काम रॉकफेलर फाउंडेशन करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ग्रांट्स इन एड टू द सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस फॉर कैरिंग आउट रिसर्चेस ऑल्सो। करंटली इट इज़ गिविंग एक्टिव सपोर्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फैमिली प्लानिंग एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये सारे रॉकफेलर फाउंडेशन के फंक्शंस है, 2 मार्क्स के लिए ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फोर्ड फाउंडेशन। रॉकफेलर फाउंडेशन का जो काम था
that was mostly concentrated on its assistance on universities and postgraduate institutions, professional education and research. लेकिन फोर्ड फाउंडेशन जो है उसका जो का एक्टिव काम रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रूरल हेल्थ सर्विसेज एंड फैमिली प्लानिंग. तो यहाँ पर याद रखने की जो चीज़ है, रूरल हेल्थ सर्विसेज और फैमिली प्लानिंग में फोर्ड फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट रोल पहले से रहा है. सो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में फोर्ड फाउंडेशन ने इंडिया में हेल्प प्रोवाइड की है? तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग सेंटर्स, जो पब्लिक हेल्थ फॉर मेडिकल एंड पैरामेडिकल पर्सनल होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम फोर्ड फाउंडेशन करती है. जैसे कुछ कुछ सिंगूर, पूनामाला, नजफगढ़, ऐसे कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स है वहाँ पर मेडिकल और पैरामेडिकल पर्सनल्स को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्होंने प्रोग्राम्स के ज़रिए हेल्प प्रोवाइड की है. उसके बाद रिसर्च कम एक्शन प्रोजेक्ट्स के फॉर्म में भी इन्होंने हेल्प प्रोवाइड की है. रिसर्च कम एक्शन प्रोजेक्ट्स विच आर कंसर्न्ड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, जो रिसर्च कम एक्शन प्रोजेक्ट्स है वो एनवायरमेंटल सैनिटेशन और सैनिटरी लैटरिन्स को डेवलप करना रूरल एरियाज में, उसके फॉर्म में इन्होंने हेल्प प्रोवाइड की है. तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन इन द फॉर्म ऑफ डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सैनिटरी लैटरिन इन रूरल एरियाज. तो रिसर्च कम एक्शन प्रोजेक्ट, देन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम. उसके बाद वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज स्कीम जो है कैलकटा में वो जब डेवलप की थी तो उसके प्रिपरेशन में, मास्टर प्लान के प्रिपरेशन में फोर्ड फाउंडेशन ने हेल्प प्रोवाइड की है. सो द मास्टर प्लान फॉर द वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड ड्रेनेज फॉर द कैलकटा सिटी इन कोलेबोरेशन विद अदर इंटरनेशनल एजेंसीज. तो मेन जो सप्लाई एंड ड्रेन, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज का जो स्कीम मास्टर प्लान है, इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय फोर्ड फाउंडेशन. उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दो फोर्ड फाउंडेशन हैज़ कंट्रीब्यूटेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन न्यू दिल्ली. तो ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, विच इज़ टुडे नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो आप सबको पता होगा, तो उसके एस्टेब्लिशमेंट में फोर्ड फाउंडेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि दो इम्पोर्टेंट इसके फंक्शनल एरियाज है, रूरल हेल्थ और फैमिली प्लानिंग. जो हमारा फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसका जो इंस्टीट्यूट है उसको फॉर्म करने में भी मेन रोल जो है फोर्ड फाउंडेशन का रहा है. सो फोर्ड फाउंडेशन का काम रूरल हेल्थ और फैमिली प्लानिंग में, रॉकफेलर फाउंडेशन का काम जो था वो इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट में था. कई जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है उनमें उनको इसने डेवलप किया हुआ है. नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर. तो केयर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है तो ये एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो बायलैटरल एजेंसीज में इंक्लूड होती है. इट वॉज फाउंडेड इन नॉर्थ अमेरिका इन द वेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1945 में इसे फॉर्म किया गया था, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर. इसका जो नेम है बाद में चेंज किया गया, पहले कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर ऐसे था, बट इट इज़ देन कन्वर्टेड टू कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट नॉन सेक्टेरियन इंटरनेशनल रिलीफ एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी नॉन प्रॉफिट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है केयर, जो इट प्रोवाइड्स इमरजेंसी एड एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस. तो इस तरह की हेल्प ये प्रोवाइड करती है. टिल द एंड ऑफ 1980s द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ केयर इन इंडिया वॉज टू प्रोवाइड फूड फॉर चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 11. तो 1980s तक इसका काम बच्चों को फूड प्रोवाइड करना था, 6 से 11 साल के बच्चों को. उसके बाद mid-80s में केयर इंडिया फोकस इनटू फूड सपोर्ट इन द ICDS प्रोग्राम. जो ICDS प्रोग्राम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो प्रोग्राम, उसमें
केयर ने उसको सपोर्ट किया इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एंड इनकम सप्लीमेंटेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में अपना काम स्टार्ट किया था 1950 में। फ्रॉम 1950 इट हैज स्टार्टेड इट्स वर्क और ऑपरेशन इन इंडिया बाय फंडिंग थ्रू द फॉलोइंग सर्विसेज लाइक मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम, ICDS स्कीम, इंटर एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स, उसके बाद इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोजेक्ट, बेटर हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट, अनीमिया कंट्रोल प्रोजेक्ट, इम्प्रूविंग वुमन्स हेल्थ प्रोजेक्ट, एडोलेसेंट गर्ल्स हेल्थ केयर, चाइल्ड सर्वाइवर प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्होंने काम स्टार्ट किया था 1950s से। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेनली जो इस्टेब्लिश हुई थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको इमरजेंसी एड एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने असिस्टेंस प्रोवाइड करना शुरू किया था। और बाद में इंडिया में इन सारे प्रोजेक्ट्स में ये हेल्प प्रोवाइड करती है। मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम जो है उसमें इसका मेन रोल है। मिड डे मील ICDS स्कीम जो है उसमें इसका मेन रोल है केयर ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस तरह से केयर जो है कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन एवरीवेयर। तो ये आपको याद रखना है कि इसके मेन फंक्शंस जो है ये लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद इसने 1950 में अपना काम शुरू किया था इंडिया में। इसने फूड एंड न्यूट्रिशन के सेक्टर में इंडिया में ज़्यादातर हेल्प प्रोवाइड की है। इसका जो मेन काम रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ को इमरजेंसी हेल्प या एड एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करना इसका मेन काम है। इंडिया में जो प्रोजेक्ट्स है जिनमें इसने हेल्प की है उनको आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोजेक्ट, बेटर हेल्थ न्यूट्रिशन, एनेमिया प्रोजेक्ट, ऑल दिस। तो ये है केयर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे फॉर्म किया था हेनरी डुनंट जो एक स्विस यंग बिजनेसमैन था, उसने इसे फॉर्म किया था। जो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ अ नॉन पॉलिटिकल नॉन ऑफिशियल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड इन पीस एंड वॉर। तो मेनली जो वॉर टाइम्स में जो सोल्जर्स वुंडेड होते थे उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी। बाद में ये पीस टाइम में भी ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प प्रोवाइड करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जो हेनरी ड्यूनंट एक बिजनेसमैन था उसने 1859 में जो नॉर्थ इटली में जो वॉर हुआ था, बैटल हुआ था, उसमें इसने उन वुंडेड सोल्जर्स को देखा जो कि निगलेक्टेड थे, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो उस बैटल को कहा जाता है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सैवेज बैटल्स ऑफ द हिस्ट्री, मतलब सबसे घिनौना वो बैटल हुआ था जिसमें काफ़ी बड़े इस क्वांटिटी पे सोल्जर्स वुंडेड हुए थे जो कि कोई उन पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। तो इस बिजनेसमैन ने इन मरते हुए सोल्जर्स को देखा और आसपास के गांवों से लोगों को इकट्ठा करके उनको रिलीफ प्रोवाइड करना शुरू किया। हेनरी डुनंट ने उस काम में अपना टाइम, अपना वक्त, अपना पैसा, अपना टैलेंट सब कुछ लगा दिया, इस हद तक लगा दिया जब तक कि वो बैंकरप्ट ना हो जाए, मतलब वो पूरा कंगाल हो गया, लेकिन उसने अपना सब कुछ उनको डिवोट कर दिया। उसके बाद उसने एक बुक भी लिखी इस काम पर। और उसके बाद उसने एक कैंपेन चलाया कि जो ये वॉर टाइम में बैटल्स में जो वुंडेड सोल्जर्स होते हैं उनके लिए एक वॉलंटरी सोसाइटी इस्टेब्लिश की जाए। इसके लिए उसने बहुत बड़ा कैंपेन चलाया और एज अ रिजल्ट उसके एफर्ट्स को एक डिटर्मिनेशन मिला और ही वॉज सक्सेसेड इन होल्डिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1864 एट जिनेवा। तो जिनेवा में उसके इस काम के बाद एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई
और देन इट वाज रिजल्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, जो फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन थी रेड क्रॉस की, उसको फॉर्म किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, और जिसकी ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड में हुई। उसके बाद मेन जो रिकग्निशन था उसे मिला 1901 में, जब जो सर हेनरी डुनेंट है उनको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला पीस के लिए 1901 में, तब उनके काम को और ज़्यादा इस रिकग्नाइज किया गया। और उसके बाद 1990 में 1919 द लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज क्रिएटेड विथ हेड क्वार्टर्स एट जिनेवा, कोऑर्डिनेटिंग विथ 19 नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। इट इज़ द बिगेस्ट रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड विथ 200 मिलियन मेंबर्स एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद उभर कर आई, और उसके बाद वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाने लगा 8 मई को, एवरी ईयर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो रेड क्रॉस ये जो है एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली कंसर्न्ड विद ऑफरिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन वॉर टाइम एंड पीस टाइम डिजास्टरस सिचुएशंस लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड अदर नेचुरल एंड मैनमेड कैलामिटीज। द रेड क्रॉस ऑफर्स रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज नॉट ओनली टू द वुंडेड एंड डिसेबल्ड बाय वॉर बट ऑल्सो टू दीज सफरर्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज ऑल्सो। जो 1920 में द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1920 विथ थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड मिटिगेशन ऑफ सफरिंग। तो इंडियन रेड क्रॉस जो है 1920s में फॉर्म हुई। तो ये कुछ रोल्स है रेड क्रॉस सोसाइटी के। तो बिगिनिंग में वर्ल्ड वॉर के जो वॉर के विक्टिम्स थे उनको ही ये सर्विस प्रोवाइड करती थी, बाद में ये अदर सेक्टर्स में, नेचुरल डिजास्टर्स में भी ये हेल्प प्रोवाइड करने लगी ऑर्गेनाइजेशन। लेटर ऑन वर्क ऑफ रेड क्रॉस वॉर एक्सटेंडेड टू द अदर प्रोग्राम्स विच वुड प्रिवेंट ह्यूमन सफरिंग्स। इंडियन रेड क्रॉस जो है उसके बारे में तीन ऑब्जेक्टिव्स थे, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड मिटिगेशन ऑफ सफरिंग्स। तो ये मेन उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। सो डिजास्टर सर्विसेज कंप्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क, मेडिसिन, विटामिन टैबलेट्स, कॉड लीवर ऑयल एंड 100 अदर आइटम्स टू द फेमाइन स्ट्रिकन पीपल एंड टू अदर्स हु हैव बीन हिट बाय द फ्लड्स। जो नेचुरल कैलामिटीज थे उनके जो सफरर थे उनको मिल्क, मेडिसिन, विटामिन टैबलेट्स एंड अदर ऐसे कई सारे ब्लैंकेट्स, क्लोथ्स ऐसे प्रोवाइड करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। इट ऑल्सो मेंटेनिंग ब्लड बैंक्स एंड प्रमोटिंग ब्लड डोनेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज वुंडेड इन वॉर्स एंड डिजास्टर्स। ये भी उसका एक काम है कि वो ब्लड डोनेशन के कैंप्स रेड क्रॉस सोसाइटी अरेंज करती है और ब्लड प्रोवाइड करने का काम करती है। इसने इट हैज़ गिवन लैक्स अपॉर्चुनिटीज टू द लैक्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑल ओवर द इंडिया टू बी एसोसिएटेड विद देयर एक्टिविटीज़ इन अपलिफ्टिंग द विलेज, फर्स्ट एड, एंटी एपिडेमिक वार्ड एक्सेट्रा। तो उनके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए कई सारे लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की है। उसके साथ ही मैटरनल और चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेस में भी रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्प प्रोवाइड करती है। जो पीस टाइम में सोल्जर्स होते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें कई सारी एमिनिटीज़ जैसे न्यूज़पेपर, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर कंफर्ट गुड्स प्रोवाइड करने का काम भी ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। इसका एक मेन रोल जो है कि इट मेंटेन्स द रेड क्रॉस होम एट बैंगलोर। एक रेड क्रॉस होम बैंगलोर में बनाया गया है जो परमानेंटली डिसेबल्ड एक सर्विसमैन होते हैं मिलिट्री से, जो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं उनके लिए एक रेड क्रॉस होम इन्होंने बैंगलोर में बनाया है, विच इज़ वन ऑफ द पायनियर इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स काइंड इन एशिया। तो एशिया में एक ऐसा इकलौता एक ऐसा वो अपने काइंड का एक इंस्टीट्यूशन है
जो एक रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करने का काम करता है एक सर्विसमैन को जो कि डिसेबल्ड या पैरालिटिक है। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द हेल्थ केयर बाय प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट्स, ड्रग्स एंड सप्लाइज टू द हॉस्पिटल्स। हेल्थ एजुकेशन कैंपेन भी कंडक्ट करने का काम और फर्स्ट एड सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम भी रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। तो इस तरह से कई सारी अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो यहाँ हमारी बायलैटरल हेल्थ एजेंसीज भी ख़त्म हुई है। तो WHO और यूनाइटेड नेशंस की हेल्थ एजेंसीज और बायलैटरल हेल्थ एजेंसीज यहाँ हम देख चुके हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है।